नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। चीन के वुहांग शहर से निकला कोविड-19 यानी कोरोना वायरस अब तक पूरे विश्व में एक बड़ी परेशानी के रूप में उभरा है। इससे भारत भी अछूता नहीं है। इससे निपटना दुनिया भर के सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में बन गई है। कई शोध और अध्ययन इस वायरस से जुड़ी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस को तेजी से फैलता देख पूरी दुनिया में डर का माहौल हो गया है। मालूम हो कि कोरोना वायरस से पूरी दुनिया दहशत में है और इस पर काबू पाने के लिए सभी देश सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन आपके जहन में भी यह सवाल खड़ा हो रहा होगा कि आखिर यह कब तक सोशल डिस्टेंसिंग चलेगा। आपको बता दें कि कोरोना से लड़ने के लिए अब तक जारी सबसे बड़ा हथियार दुनिया अपना रही है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग, जिसका मतलब दो या दो से ज़्यादा लोगों की निजी तौर पर मिलने से रोकना और वायरस को फैलने में बहुत बड़ी रुकावट का काम करता है। कोविड-19 को ही रोकने के लिए ही दुनिया भर में सोशल डिस्टेंसिंग का सहारा लिया जा रहा है। लगभग सभी देश लोगों को घरों में रहने, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का सलाह दे रहे हैं। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ संक्रमित लोगों से दूर रहना है। आपको बता दें कि आइसोलेशन और क्वारंटाइन सोशल डिस्टेंसिंग का ही अलग रूप है। आपको बताते चले कि सोशल डिस्टेंसिंग का यह दौड़ अभी तक थोड़े और समय तक चलेगा। अमेरिकी अखबारों की माने तो अमेरिका में सोशल डिस्टेंसिंग का अमल 2022 तक जारी रह सकता है। हालांकि सरकार ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। यहां आपको बताते चले कि कोविड-19 या कोरोना वायरस के वैक्सीन और दवा खोज जल्द कर ली जाएगी, लेकिन तब तक सोशल डिस्टेंसिंग और क्वारंटाइन का पालन करना होगा। अगर मौसम के चक्र में इस वायरस का कुछ असर होता है तो फिर संभव है कि साल के अंत तक यह वायरस सक्रिय हो जाएगा। कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति औसतन 2 से 3 व्यक्ति को संक्रमित करता है। कोविड-19 पर चीन पर हुए एक रिसर्च के मुताबिक इस वायरस के लक्षण 5 दिन में शरीर पर फैलने लगते हैं और 14 दिनों में साफ साफ नजर आने लगते हैं। इस बीच कोरोना संक्रमित अगर सामान्य इंसान के तरह लोगों से मिलते जुलते रहे तो स्थिति काफ़ी विपरीत हो सकती है। चीन के अनुसार इस वायरस को सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग के बदौलत ही रोक सकते हैं। आपको बताते चले कि कुछ ही देशों में कोरोना नहीं पहुंचा है, क्योंकि वे देश या तो द्वीप समूह पर है या तो दुनिया से अलग थलग। हालांकि अभी तक लॉकडाउन है और आपके पास कोरोना से लड़ने के लिए एक ब्रह्मास्त्र है, वो है सोशल डिस्टेंस। आप लोगों से दूर रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।